तो मुझे लगा कि एक झंडा यहाँ किसी ने फेंक दिया, तो मैंने झंडा को खड़ा किया, इस गार्डन को देखा और मैं झंडा किसी का हो भाई, उसमें तीन रंग है। मेरा विचार है कि आप ये देख रहे पेड़ पौधे, इन पेड़ पौधों में वही मिट्टी, वही पानी, कोई खाद, लेकिन उसमें गुणवत्ता क्यों अलग अलग है? कोई मीठा है, कोई खट्टा है, कोई क्या है? तो मेरा एक विचार है कि मानव इस संसार सागर में एक है, उस मानव जाति में ऐसा कौन कैसा गुण है कि जो गुण कई लोग IAS से IPS से बड़े बड़े नेता है और कोई गरीब है, कोई कुछ है, तो मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ और उनके गुण को देखना चाहता हूँ कि वास्तव में क्या है आपके अंदर की जो क्वालिटी है, एक बीती क्वालिटी होती है, तो मैं उन लोगों को ढूंढना चाहता हूँ, उनसे मदद लेना चाहता हूँ, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, और माननीय में प्रधानमंत्री जी से भी तो बहुत तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ विपक्ष में सोनिया गांधी को भी बधाई देता हूँ। कहते कि राजीव गांधी का जो सपना था, और तो मेरा राजीव गांधी ने मुझे अपनी फोटो से लगा था कि अर्जुन सिंह का जो फोटो था, दिग्विजय सिंह का था, वो एक पट्टा दिया था जो हमारे गृह प्रवेश है छोटा, उसमें हमने रह करके क्या क्या नहीं बनाया। एक बार मैं दोनों पहलुओं से मिल करके दिल्ली में इसको जो कुछ आता हूँ, इसका एक प्रूफ है कि मैंने चम्बल के किनारे जो एक ज़मीन के बारे में सोचा है कि हमारी अरबों साल से जो ज़मीन पड़ी है बेकार, उसको हम जैसे उस रूप में बदले के जहाँ हरियाली हो, जिस चीज़ की जो ज़रूरत हो वहाँ उसकी खेती करें। तो पहला पहलू है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट मुरैना MP में आता है और यहाँ सरकार भाजपा की है, उसके आगे वो जो धौलपुर आता है वो आता है राजस्थान सरकार में, जो वहाँ के CM ये कांग्रेस के हैं। मेरा एक बहुत ही अच्छा विचार है कि दो पहलू है, दो उद्यान वहाँ बनाए जाए तो कौन सी सरकार क्या अच्छा काम करती है। मैं तो कहता हूँ कि लोग तपस्या कहते हैं खड़े खड़े, तो मैंने इसमें जो पंजा का निशान है मैंने 5 बातें लिखी है, कि पहला तो मैंने लिखा कि पाय ब्रह्म परमात्मा जगत पिता धरती माता को प्रणाम और तीन देव रक्षा करें, सूरज पानी हवा वायुमंडल को प्रणाम, 5 ही है ना। फिर मैंने लिख दिया कि माता पिता ने मिल बनाया आंगन घर परिवार महान और उन्हीं के उदय से पैदा भाई भाई बहन गुण रखा नाम, तो फिर 5 आ गया, माता पिता गुरु और भाई बहन आ गया ना 5। फिर मैंने सोचा कि देश के बारे में कुछ बोलूँ, तो देश के बारे में भी मैंने लिख दिया कि हमारे देश में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समस्त CM राज्यपाल बनाए संभाले देश की कमान, और IAS IPS सीनियर डॉक्टर विद्वान बनाए देश महान, सो 5 आएगा। 5 बातें बोल रहा था, 5 पेड़ मैंने लगाए, तो 5 पेड़ों की क्या है, हमारे घर आंगन में भी 5 पेड़ लगे हैं, उनमें अलग अलग क्वालिटी है, गन्ना लगा है गन्ना में मीठा है हमारा, क्या क्या लगा है। हमारे मिस्टर ने तो ये कहा था कि उसके हाथ में क्या जादू है, हम जब TTTI में थे वहाँ भी पेड़ लगाए बड़े बड़े, तो उसका एक सपना है हमारी मिस्टर का कि वो गाँव की थी, तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे घर में साधना सिंह भी आई, जो शिवराज सिंह जी जी की मिसेज थी, उमा जी आई, और हमें इन लोगों से एक लगाव है, हम चाहते हैं महिला शक्ति हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया जी दिल्ली में विराजमान है, और हम इस प्रोजेक्ट को लेकर के अपनी सहेलियों के साथ में और उनसे मिलना चाहेंगे, उनसे हम नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, उनसे यही विनती करेंगे कि हमारा जो महिलाओं की शक्ति आप हैं, तो एक अच्छा उद्यान गार्डन बनवाइए जो हमारे चंबल के किनारे पर दोनों पहलू हों। आज हमें बड़ी खुशी है कि देखो आज हम इनको सबको प्रणाम करते हैं, अपना एक कुदरती संयोग है कि देखो यहाँ एक कितना अच्छा उद्यान है, देखो हम झंडा भी लहरा रहा है, तो मैंने क्या किया, मैं तो अपने आप ईश्वर सब देता है, दीन बंद ताही ग्रह दे रही सब देव और नरमूरक अज्ञात बैठा सोच कर लिए, ईश्वर ने उसी दिन सब कुछ दे दिया, लेकिन अपना कर्तव्य करो, कर्तव्य से क्रम बदल जाता है, क्रम से नाम बदल जाता है, ये सब हो जाता है, ये बहुत ही बड़ी बातें हैं। और अगर आदमी सोचे इंसान ही ईश्वर है, आपने पूरे स्वर एक कर लिए तो आप कुछ भी कह सकते हो, हमको पैसा दे सकते हो, बाबा दे सकते हो, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उस प्रोजेक्ट को पास करवाने में एक अपनी कलम और अपना पावर जीत करके स्वीकृति लिख दें और वहाँ के किसानों से मीटिंग लें कि हम आपको एक एकड़ ज़मीन देते हैं, तो वो 4-5 लाख रुपए जमा कर देंगे, जिससे हमारा एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, उनको रोजी रोटी मिल जाएगी और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। धन्यवाद।